आपका हमारे चैनल 10 पीडी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, यानी दो संख्याएं हैं जो 5:3 में है। इफ दे डिफर बाय 18, यानी यदि उनका अंतर क्या हो, 18 हो, व्हाट आर द नंबर्स, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कौन सी संख्याएं होंगी। अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो जिसमें आपको रेशियो दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो या रेशियो दिया गया हो, तो हमेशा हम ऐसे नंबर को लेट करेंगे और लेट करते टाइम ध्यान देंगे। पहले सॉल्यूशन लिखिए। कभी भी अगर नंबर कोई भी दिया है और अगर उसको देख रहे हैं हम कि उसके बीच में रेशियो का साइन है, मतलब अगर हम उसको लेट करेंगे तो उसके साथ कोई वेरिएबल लगा देते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, लेट The numbers are, क्या हो जाएगा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी है अल्फाबेट सारे वेरिएबल ही होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5x and 3x, ये हो गया। मान लेते हैं हम लेट कर लिए कि जो नंबर है वो नंबर क्या है, 5x और 3x है, तो वही लिखेंगे हिंदी में भी, माना संख्याएं 5x और 3x हैं, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करने के बाद मीन्स इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार, क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, क्या क्या है, इफ दे डिफर बाई 18, यानी यदि उनमें अंतर कितना हो, 18 हो। अंतर का मतलब कि अगर पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। मींस अगर 5x में से 3x को माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, कितना आएगा आपका, 18 आएगा। तो चलते हैं देखते हैं, हम माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, 5x - 3x, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि अगर हम इस रेशियो में, जो रेशियो दिया गया है, अगर हम इसका डिफरेंस निकाले तो कितना आता है, 18 आता है। 5 रुपए थे, 3 रुपए तुमने खर्च कर दिए, कितने बचे, 2 बचे, और यस यस इक्वल इक्वल 18 है 18। और एक बात मैंने बोली थी कि जहां पर अगर कोई नंबर दिख रहा है और वेरिएबल है और उसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, मींस किसका साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, इंटू का साइन होता है, गुणा का साइन होता है, ठीक है। तो जब गुणे में होता है, इधर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होगा इक्वल के साइड, तो उधर जाएगा किस में जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, यस इक्वल 18, और ये 2 इधर है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो अपान 2 हो जाएगा। अब चलते हैं डिवाइड करती है 18 को 2 से, डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल पढ़ो, 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 9 18 कितना आ गया आपका, 9 आ गया। मीन्स यस इक्वल कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। लिखेंगे क्या, हियर द नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, 5, पहला कौन सा नंबर है, 5x है, मीन्स 5 इंटू, अब यस की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हो, 9 फाइंड आउट की हो, यस की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हो, 9 की हो, 5 इंटू 9, 5 9 जा 45। अब सेकेंड नंबर कौन सा तुम्हारा, 3x है, मीन्स 3 इंटू 9, 3 9 जा 27, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं, ठीक है, क्या राइट करेंगे, वे संख्याएं हैं। इसके बाद हम इसको राइट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 50 × 8 = 888, यानी कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है,
5 मल्टीपल्स गुणजों को ज्ञात कीजिए, बहुत आसानी से आएगा, बहुत इजी तरीके से आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब कल हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसमें बोल रहा था कि थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स की जहां पे थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स बोल रहा था, है ना, तो हम लोग क्या माने थे थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, फर्स्ट x मान लिए थे, सेकंड x प्लस 1 और थर्ड x प्लस 2 मान लिए थे। कब माने थे? जब किसी का मल्टीपल नहीं था तब हम ऐसा माने थे, है ना, जब किसी का मल्टीपल नहीं था तब हम ऐसा माने थे। लेकिन अगर किसी का मल्टीपल हो गया है तो हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से आएगा, अगर ये किसी का मल्टीपल हो गया है तो। अब देखिए मान लीजिए ये यस हमारा 8 का मल्टीपल है, तो अब यस प्लस कितना हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 बन जाए 8 हो गया, 8 टू जा 16, मतलब अब वहीं पर जहां पर यस यस प्लस 1 और यस प्लस 2 राइट करते थे, अब वहां पर हम राइट क्या करेंगे, यस यस प्लस 8 और यस प्लस 16, बहुत आसानी से आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस लिख करना अगर आपको आ गया सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आए या ना आए, मैंने कहा है आपको कि सॉल्यूशन राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहां क्या राइट करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन राइट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या रहा है कि दी सम ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए, है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द सम ऑफ हटा के मानना कहां से, लेट कहां से करना है, यहां से लेट थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए, ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अभी मैंने बोला था कि यस है, मान लीजिए इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे, माना तीन लगातार 8 के गुणज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अब मानते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा यस ना, अब यस मान लीजिए हमारा ये 8 का कोई गुणज है, ठीक है, तो अगर ये 8 का कोई गुणज है, यस है तुम्हारा, अब इसमें कितना प्लस कर दिया जाए, प्लस 8 कर दिया जाए, है ना, तो यस प्लस 8, जिसका भी गुणज निकालना है याद रखिएगा, मान लीजिए अगर 9 का निकालना हो तो पहला यस मानते, दूसरा यस प्लस 9, तीसरा यस प्लस 9 का टेबल था, अब 9 टू जा 18, तो 18 हो जाता, ठीक है। अगर यही आप जो है 7 का निकालते तो यस यस प्लस 7 यस प्लस 14, अगर आप यही 6 का निकालते तो यस यस प्लस 6 यस प्लस 12, तो जिसका भी आप गुणज निकालेंगे हमेशा याद रखिएगा कि उसी को प्लस करते चले जाना, उसी के मल्टीपल्स को प्लस करते चले जाना। तो देखते हैं, पहला यस हो गया, दूसरा यस प्लस 8 हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, यस प्लस 8 है, 8 बन जाए 8 टू जा 16, अगर ये 3 के जगह पे 4 होता तब क्या लिखते थे, अगर यहाँ पे 4 दिया होता तो लिख देते क्या, यस प्लस, अब देखिए 8 टू जा 16 हो गया, 8 थ्री जा 24, तो यहाँ 24 हो जाता, समझ आ रहा है। चलते हैं आगे, अब राइट करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्नानुसार, ठीक है, तो यहां क्या राइट करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार राइट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह रहा है द सम ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए, सम मतलब होता है एडिशन, जोड़, यानी अगर हम इनको 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 यानी तीनों को क्या कर ले, एड कर ले, जोड़ ले, तो कितना आता है 888, तो वही करना, यानी यस प्लस 8 प्लस यस प्लस 16 इक्वल कितने की होगा, 888 हो गया। 1x 2x 3x यानी 1 2 3, तो कितना यस हो जाएगा, 3x हो गया, प्लस 16 प्लस 8 करिए, कर दीजिए, तो 16 में अगर प्लस 8 करेंगे कितना आएगा, 24, तो ये कितना हो गया, 888 आ गया। अब चलते हैं आगे, 3x 3x
इक्वल इक्वल 888। अगर कभी भी इक्वल के इस साइड कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, अगर हम इक्वल के उस साइड ले जा रहे हैं और इधर प्लस में होगी उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, और इधर माइनस में होगी उधर जाएगी तो प्लस में जाएगी। मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ ये 24 किस में है? प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, यानी कितना हो जाएगा -24। तो 3x है 3x इक्वल इक्वल। अब 888 में से 24 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, यानी कितना आ गया आपका 864 आ गया। तो यक्स यक्स इक्वल इक्वल 864। इधर देखिए, अब यहाँ यक्स और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो उधर जाएगा तो कोई भी चीज इधर, मतलब इक्वल की साइड है, मल्टीप्लाई में उधर जाता है, किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो यहाँ पे किस में जाएगा, ये डिवाइड में चला गया। चलते हैं डिवाइड होते हैं 864 को, 864 को डिवाइड करिए किससे, 3 से। तो 3 2 6 2 6, और 3 का टेबल पढ़िए, 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 8 जा 24, 2 फिर कितना आया 4, 3 8 जा 24, मतलब कितना आ गया, तो यस इक्वल आ गया आपका 288। ये आपकी वैल्यू किसकी आई, यस की आ गई, है ना, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, यस की आ गई। अब हम फाइंड आउट क्या करना था, हम 3 का एसटीडी मल्टीपल तो लिखेंगे क्या, 3 ईयर 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स आर, ठीक है। तो पहला यस, यस मीन्स कितना 288, फिर सेकेंड कितना हो गया आपका यस प्लस 8, तो यस प्लस 8 मीन्स यस की वैल्यू कितनी है 288, अब प्लस 8 कर लीजिए तो अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा 8 8 16, कैरी 1, तो 8 और 1 9, यानी 296 हो गया। फिर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, यस प्लस 16 मीन्स यस की वैल्यू कितनी है 288 फाइंड आउट किया है, यहाँ 288 और प्लस 16, तो 8 और 6 24 ना, 24 बचा कितना 2, और 8 और 1 9 9 और 2 11, कैरी 1 2 और 1 3, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए।